What's up guys and welcome back to the channel. So आज है 5 फरवरी 2023 और मैं जा रहा हूँ अभी लामडिंग और टाइम हो के रखा है 11:13। काफ़ी लोग ने मुझे सजेस्ट किया है कि मोटो ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वैसे मेरे पास तो बाइक है ही नहीं है। तो हजनट अभी फ़िलहाल मैं घर में आया था कुछ भूसुडीमा मना के मतलब, तो अभी मौका मिल गया तो पिताजी भी पूरा भूसुडीमा मना रहा था उसको वजह से रिलैक्स कर रहा है घर में बैठ के। तो अभी मौका मिल गया पिताजी का बाइक लेके अभी मोटो ब्लॉक करने के लिए, तो वही ट्राई कर रहा हूँ अभी मोटो ब्लॉक। ओए ये क्या हो गया, ये हमारा गांव का लड़की लोग है, छोटा छोटा लड़की क्या बोलूँ। हाँ तो गाइस अभी जा रहे हैं तो लैंडिंग। तो ये है प्लेटिना 100 cc, ये बाइक लेके मैंने राइड बहुत बार किया है लेकिन उसका ब्लॉक इतना सारा नहीं बनाया हूँ। मान लो कि दिमाग से तो पूरा राइड कर लिया इस वाला प्लेटिना बाइक से, और मेघालय भी गया था और नागालैंड भी गया है मैंने ये वाला बाइक लेके, सिंगल भी गया है और डबल भी गया है, लेकिन उन सब जितना भी मैंने ट्रिप किया था ना उन सब का मतलब ब्लॉक नहीं बनाया हूँ मैं। बोला है कि जो पानीमूर में है ना मतलब सभी लोग नहा रहा है, जितने भी दिमाशा लोग हैं ना तो जितने जो भी आस आएगा मतलब नहा रहा है, मतलब अपने आप को कथार कर रहा है। तो हम उसी पे जा रहा हूँ पहले पानीमूर पे, तो यहाँ से हम शॉर्टकट जाने वाले हैं पानीमूर। तो मेरा दोस्त लोग तो उधर ही है, हम अभी जा रहा हूँ नहाने के लिए, तो वहाँ से नहा हुआ के फिर जाने वाला हूँ लैंडिंग। ऐसा फ्यूल तो है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, ओनर चाहिए इसको जो माइलेज है ना वो दे रहा है, कम से कम 60 तो देगा ये प्लेटिना बाइक। वैसे मेसर तो नहीं किया हूँ, मतलब देखा तो नहीं हूँ कभी भी, फिर भी इतना तो देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 1.5 लीटर जैसा होगा, टेंगी में मैं खुल के देखा था एक बार। ओह रास्ता अच्छा हो गया इस तरफ, इस तरफ भी भूसू हो रहा है 3 दिन का भूसू, सुरेम बाइनो बोला जाता है जो 3 दिन भूसू है ना उसको लंगरी में। ओ भाई यहाँ से खराब रास्ता, फिर यहाँ से ऑफ रोडिंग होने वाला है, इस तरफ जाने से गांव में निकल जाएगा और इस तरफ जाने से ये भी रोड में निकलने वाला है, मेन हाईवे नेशनल हाईवे पे इस तरफ से चल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस तरफ सीधे जाने से भी हाईवे मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा है 456 सुरेम बाइनो बुसु, ये देखो। चलो हम भी चलते हैं इस तरफ से, निकलते हैं मेन हाईवे पे इस तरफ चल के। कैमरा पता नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओ वैसा सो गाइस अभी जो गाड़ी है ना यार मोबाइल लेकर, ये जो गाड़ी है अभी ख़त्म इसका, पहले मैं जब तेजपुर गया था उस टाइम में भी ऐसा हुआ था और अभी भी सेम ऐसा हो रहा है। पिताजी जो है उसको वो तो खेल ही नहीं कर रहा और मुझे भी नहीं बोला कि इसका मोबाइल इंजन ऑयल है, बहुत टाइम से नहीं चेंज नहीं किया, तो अभी हटात से इंजन जो ऑयल है उसका ख़त्म हो गया इंजन ऑयल। परसों मैं चेंज करने वाला था तो पिताजी हमेशा जब भी मैं चेंज करता हूँ बोलता रहता है कि मैंने चेंज कर दिया ऑलरेडी, तो वही है उसके वजह से मैं सोचा बाद में पूछ के चेंज कर लूँगा। तो आज तो अचानक पानीमूर आने का प्लानिंग हो गया था और लैंडिंग जाने का प्लानिंग हो गया था बीच में, तो उसके वजह से अभी बात जो है बीच में ख़राब हो गया बैठा है, ना लैंडिंग ना पानीमूर, इस तरफ पानीमूर इस तरफ लैंडिंग, बीच में हो गया है मैं। चल एक दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, देखते हैं वो कौन सा गाड़ी लेके आया। सो गाइस अभी जो है ना इंजन ऑयल लेके फिर से वो दोबारा जा रहा हूँ जहाँ पे गाड़ी छोड़ के आया था मैंने,
तो वहाँ पे जा रहा हूँ। और ये जो बैट है मेरा दोस्त का है, मैंने वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ था तो वो अचानक आ गया और उसको मिल गया, तो इनका घर लेके आया हूँ। वो भी साथ में है, पीछे बैठ रहा है और मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा है इस वाला बुलेट को। अरे यार, मैं हमेशा ना जहाँ पे निकलता हूँ ना, अगर ऐसा हो जाता ना तो मेरे को मूड ऑफ हो जाता है यार। पांच गियर डाल दिया इसका, पता नहीं कितना गियर है, एग्जैक्ट नहीं पता है। इसका स्पीडोमीटर खराब हो गया, ये मज़ा है यार, वाइब्रेशन हो रहा है। अरे ये कितना स्पीड होगा, गैस करो, इतना में वाइब्रेशन हो रहा है इस वाला गाड़ी का, पता नहीं क्यों ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है। बाकी जो हिमालयन का जो ड्राइव किया वो भी, उसका भी वाइब्रेशन नहीं है हिमालयन का। और मैंने एक 500 क्लासिक 500 उसको भी चलाया था गुवाहाटी से यहाँ डुमरा तक लेके आया था, तो वो वाला भी वाइब्रेशन कर रहा है, ज़्यादातर लेफ्ट तरफ में वाइब्रेशन कर रहा है। पता नहीं ये क्यों हो रहा है ऐसा गाड़ी, लेकिन फील कर रहा है कि ये वाला जो है ना वाइब्रेशन कर रहा है लेफ्ट में, और नीचे में भी वाइब्रेशन कर रहा है। फुल गियर होगा तो थोड़ा फील नहीं होगा वाइब्रेशन, लेकिन इसका जो है ना वाइब्रेशन का पूरा फील हो रहा है। हॉर्न नहीं है इसका, वाइब्रेशन हो रहा है। ये देखो, ये 80 होगा लगभग, 80 भी नहीं होगा, 60 होगा शायद स्पीड इसका, मेरे हिसाब से 60 होगा, 60 में वाइब्रेशन हो रहा है, 60 70 ऐसा होगा। जब मैं लेके आया था वो जो 500 ना, उसका अराउंड 70 में वाइब्रेशन हो जाता है। नहीं आप जा पाओगा, जा पाओगी कि नहीं लामडिंग में। ऐसे तो मुझे 2 बजे जाके पहुंचना था, क्योंकि 2 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और फिर जो टाइम है अभी 1:30 ऑलमोस्ट, तो मुझे घर भी जाना है। फिर मैंने जो जो फाड़ने वाला जो जो पुराना जो जूता है ना वो लगा के आ गया था, उसके वजह से फिर जूता जाके चेंज करने वाला हूँ, और जाके अभी फिर से मोबाइल चेंज। वाला मोबाइल बाजार स्थिति ऐसा है, डालते हैं उसको, चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होगा हालत बाइक का। अभी इंजन ऑयल तो डाल लिया, पहले इसको रख देते हैं और फिर पैर धोने का बाद थोड़ा देर के लिए रुकने देते हैं उसको, और फिर स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, अभी ट्राई करने वाला हूँ, मैकेनिक ने बोला है कि सेल्फ मत मारना, किक मारना, किक, तो किक मार के देखा साउंड क्या हो गया, साउंड खराब हो गया इसका, कटक 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 कटक, अब गया ये गाड़ी का। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी ऐसे ही होने वाला।
मोबाइल निकल रहा है क्या यहाँ से, अगर चेक करना होगा। नहीं मोबाइल तो नहीं निकल रहा, निकल रहा है मोबाइल यहाँ से, टाइट नहीं हुआ शायद। नहीं नहीं टाइट हो गया, बस इंजन का कमी हो गया अभी। सो गाइस ये जो गाड़ी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जो अंदर का जो पिस्टन बेल वगैरह है ना सब खराब हो चुका है। तो उसके वजह से मैं जो गाड़ी है सोच रहा हूँ मैं लंका पे दोस्त का रूम पे छोड़ के जाके छोड़ के जाने वाला हूँ। गाड़ी जो बाइक है ना वो लेके जाने वाला नहीं हूँ। ओलम्पिक डक ऐसा हुआ कि ये सेकेंड टाइम है मेरा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब मैं तेजपुर गया था तो उस टाइम में मैंने इंजन ऑयल भी डालना भूल गया था, उस टाइम में भी ऐसा ही हो गया था। और इस बार तो मैं बहुत टाइम से गाड़ी को भी ये जो बाइक है उसको टच नहीं किया, पिताजी चला रहा था तो मैं भी पूछना भूल गया था उसको पिताजी को, तो या उसके वजह से ऐसा हो गया। तो इसका जो खर्चा है अभी 60,000 तो चला जाएगा, और इस गाड़ी से लैंडिंग में जाके फिर वापस आना वो बहुत मुश्किल है। इसका जो मोबाइल है वो बोर्ड ही खाने वाला है, जो इंजन ऑयल है ना बोर्ड ही खाने वाला है। प्लस क्या बोलूँ यार, कहाँ में ख़राब होकर रह जाएगा उसका कुछ ठिकाना नहीं है। उसका वजह से मैं ये जो बाइक है उसको मैं छोड़ के जाने वाला हूँ लंका। आज तो संडे है वैसे भी, तो कल मंडे है, तो कल मंडे सर्विसिंग में डाल दूँगा ठीक करने के लिए। सो गाइस ये जो बाइक है हम यहाँ पे छोड़ के जाने वाला है सांबुरिया मेरा दोस्त का घर में। ये है मेरा दोस्त, तो इनके घर में छोड़ के जाने वाला है। और यहाँ से देखते हैं बाय रोड में जाएगा या ट्रेन से जाता है। चलो ये ड्रॉप करने वाला है अभी अपना बाइक लंका टॉक, लंका मेन टाउन टॉक ड्रॉप करने वाला है ना। हाँ थैंक यू सो मच, बात नहीं है। चलो